नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक। और दर्शकों, आज दीपावली है। दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद यही करते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर में धन लेकर आए, सुख लेकर आए, यश लेकर आए, समृद्धि लेकर आए। तो आज आपको कैसे माँ लक्ष्मी का पूजन करना है, कैसे उन्हें प्रसन्न करना है, और जब दिन की शुरुआत आज आप करने जा रहे हैं तो किस तरह से करें कि पूरा दिन माँ लक्ष्मी का आगमन के लिए आप तैयारियां भी करें और जब वो शाम को पधारें तो आपके घर में हमेशा के लिए विराजित हो जाएं। बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैलाश प्रज्ञ सुथार जी। बहुत बहुत स्वागत है कैलाश जी आपका। गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का आज का दिन बहुत मंगलमय हो और दीपावली के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ सुधार, आपको आपकी बारे में तो बताएंगे ही कि किस तरह से आपको दीपावली इस बार मनानी है और साथ ही साथ मूलांक अनुसार भविष्य भी बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मूलांक अनुसार भविष्य जान लेते हैं। कैलाश जी, सबसे पहले 1, 2, 3 मूलांक के लिए जानना चाहेंगे। दर्शकों, मूलांक 1, आज दीपावली के पावन पर्व पे मूलांक 1 वाल कार्यस्थल पर आपको साथियों से पूरा सहयोग प्राप्त होगा। ऋण जो कर्ज है निपटने हेतु मार्ग प्रशस्त होगा, मां लक्ष्मी की पूर्ण कृपा रहेगी। जीवन साथी के साथ आज के इस दिन प्यार से पेश आए, किसी भी तरह के वाद विवाद से बची। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 1 के लिए, सफेद जो रंग है, सफेद रंग के कपड़े पहन के माँ लक्ष्मी का पूजन कीजिएगा। मूलांक 2, चंद्रमा का भोले शंभु भोलेनाथ का अंक है, आज आपके सोचे हुए काम पूरे हो जाएंगे, माँ लक्ष्मी की पूर्ण कृपा रहेगी, परेशानियां भी खत्म हो रही है। इस अंक वालों को कोई भी जोखिम भरा काम नहीं करना चाहिए, कोई भी बड़ा फैसला भी नहीं लेना चाहिए। मूलांक 2 के लिए शुभ रंग की अगर हम बात करें, पीला जो रंग रहता है बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके। मूलांक 3, अंक ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ अंक है, हमारी सत्ता और सरकार का अंक है, दीपावली का पावन पर्व उन सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज आपको अचानक यात्रा पर जाना पड़ सकता है, धन लाभ होगा, दुश्मन भी पराजित होंगे माँ की कृपा से, ऑफिस में मेहनत अधिक रहेगी, नौकरी में आपकी प्रगति के बहुत अच्छे योग हैं। शुभ रंग की अगर हम बात करें, लाल जो रंग रहता है विशेष रूप से आज के दिन दीपावली के इस पावन पर्व पे बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। बिल्कुल, तो मूलांक 3, 2, 1 आपके लिए बताया है और साथ ही शुभ रंग भी बताया है कि आज आपको कौन सा रंग जो है वो उपयोग करना है। दीपावली आज है कैलाश जी, तो इस दिन की शुरुआत कैसे करें, क्योंकि दिन तो हो चुका है, सुबह हो चुकी है, तो आज जब सुबह की हम शुरुआत कर रहे हैं कैसे होनी चाहिए? दर्शकों, दीपावली के इस पावन पर्व के ऊपर जब भी सवेरे आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं उसके उपरांत माँ लक्ष्मी का दिन है, लेकिन लक्ष्मी वहीं विराजती है जहाँ विष्णु का वास रहता है। तो माँ आदि शक्ति के साथ भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना, आप जिस शहर जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ भगवान कृष्ण का जो मंदिर हो, ठाकुर जी का मंदिर हो, वहाँ अभी सुबह सुबह दर्शन कीजिए, दर्शन लाभ कीजिए। इस दिन की शुरुआत भगवान विष्णु लक्ष्मीनाथ या गोविंद देव जी के दर्शन से कीजिए, लाभ ही लाभ रहेगा। यह दीपावली आपके जीवन में बहुत बड़े अच्छे सुलभ परिणाम लेके आएगी। बिल्कुल कैलाश जी, देखिए ये तो आपने बताया कि आज सुबह सुबह हमें जो है ठाकुर जी का पूजन करना है, उनके आशीर्वाद लेना है, लेकिन इसके साथ ही हम शाम को तो माँ लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, सुबह सुबह भी क्या हमें माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है? सुबह का जो पहर रहता है मेघा जी, अपने आप में भगवान विष्णु का रहता है, क्योंकि शुरुआत जो होती है वो ठाकुर जी से होती है, तो सुबह का पहर भगवान विष्णु का और विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की, माँ आदि शक्ति की पूजा की जाती है, माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, भगवान श्री गणेश जो प्रथम पूज्य रहते हैं उनकी भी विधि विधान से सवेरे भी पूजा करनी चाहिए, किसी गणेश मंदिर में धूप लगाना चाहिए, सुबह का पहर ठाकुर जी को अर्पण रहता है, क्योंकि शाम का समय तो देवी का रहेगा जी। और संयोग की बात करते हैं तो दिवाली का दिन बेहद खास होता है, ये तो बहुत ही खास है और पूरे साल में एक बार जब दिवाली आती है बहुत बड़ा पर्व होता है, लेकिन आज का दिन क्या कुछ खास संयोग है? आज के दिन के संयोग की बात करें मित्रों, 27 तारीख 2 और 7 चंद्रमा और
कि तूने मिलके मंगल का निर्माण किया है। मंगल अपने आप में कहते ना, आप मांगलिक हैं, आपका विवाह नहीं होगा, लेकिन दीपावली वाले दिन माँ लक्ष्मी के इस पावन पर्व पे मूलांक न होना, तमाम जो वो मांगलिक लोग हैं जिनके विवाह में बाधा आ रही है, उनका विवाह अगली दीपावली से पहले पहले हो जाएगा। आज के दिन विधि विधान से पूर्ण इच्छा शक्ति के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना कीजिए। आज का दिन वैवाहिक कार्यों में सफलता के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जिनके भी काफी समय से रुकावट आ रही है, तो विधि विधान से माँ का नाम लें। माता की आपको पूजा करनी है, विधि विधान से अगर आप पूजा करेंगे तो यकीनन माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी। कैलाश जी, आपने बताया कि क्या कुछ खास संयोग इस बार पड़ रहा है, लेकिन लक्ष्मी पूजन हम शाम को करने वाले बिल्कुल, हैं बिल्कुल। और वही सबसे ज्यादा खास होता है, क्योंकि पूरे दिन तो हम तैयारियां ही करते बिल्कुल, हैं बिल्कुल। और यही इंतजार रहता है कि शाम को कब पूजन करें जी। तो मुहूर्त क्या है? दर्शकों, हर व्यक्ति विशेष चाहता है कि सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त में पूजा अर्चना कीजिए। दर्शकों ध्यान रखिएगा, दीपावली के लक्ष्मी पूजन के दो ही मुहूर्त रहते हैं, एक ऑफिस और घर का मुहूर्त जो रूटीन में हम शाम के समय करते हैं, एक अर्धरात्रि का शक्ति पूजन का मुहूर्त माना जाता है जिसे सिंह लगन का मुहूर्त कहा जाता है। तो आज लक्ष्मी पूजन का शाम के समय 7:30 बजे से 9:30 बजे का मुहूर्त आप घर या ऑफिस में पूजा पाठ कर सकते हैं। सिंह लगन का जो मुहूर्त रहेगा वो 12:19 से 1:34 तक यह मुहूर्त सिंह लगन का रहेगा। इन दोनों ही मुहूर्त में आप विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना कीजिए, लाभ ही लाभ रहेगा, धन की अपार वर्षा रहेगी जी। और व्यापारियों की बात करें तो उनके लिए कब शुभ मुहूर्त है? व्यापारी कहते हैं ना, देश के रीढ़ की हड्डी व्यापार रहता है, क्योंकि जब तक व्यापार अच्छा नहीं चलेगा मंदी का दौर आ सकता है। व्यापारियों के लिए सदैव बुध और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन रहता है वह मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। शाम को ध्यान रखिएगा दर्शकों, शाम को 5:49 से 5:49 से 7:15 का जो समय रहेगा वह व्यापारियों के लिए अपने ऑफिस में अपनी फैक्ट्री में विधि विधान से पूजा अर्चना करने के लिए लाभदायक रहेगा। व्यापारी वर्ग जब भी अपने फैक्ट्री में पूजा अर्चना करें, लाल रंग के या सफ़ेद रंग के वस्त्रों को धारण करें और भी माँ प्रसन्न रहेगी। बिल्कुल, मूलांक अनुसार तो आप तो कैलाश जी हमें बता ही रहे हैं कि क्या कुछ भविष्य फल होगा और क्या कुछ रंग पहनना है, लेकिन अगर आज के दिन की खास तौर पर बात की जाए तो सभी दर्शकों को कौन से रंग का सबसे ज़्यादा उपयोग करना होगा? दर्शकों, हर व्यक्ति विधि विधान से पूजा अर्चना करता है, बहन बेटी को गिफ्ट देता है। इस पावन पर्व दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार, वर्ष भर में एक ऐसा त्यौहार जो सच्चाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन मूलांक के संदर्भ में, रंगों के संदर्भ में अगर बात की जाए, सफ़ेद रंग, लाल रंग और केसरिया जो रंग रहता है, यह तीनों ही रंग सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। आज के दिन जब भी लक्ष्मी पूजन करें, नारी शक्ति लाल और गुलाबी रंग का प्रयोग ज़्यादा करें, केसरिया रंग का प्रयोग ज़्यादा करें, और जो मेल रहते हैं वह सफ़ेद रंग, लाल रंग और स्काई जो ब्लू कलर रहता है, इनका प्रयोग ज़्यादा कीजिए। ये तीनों ही जो रंग रहते हैं ये धन वर्षा, व्यापार में उन्नति और कष्टों से मुक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। रंग भी अपना असर दिखाते हैं, इसलिए रंगों के सानिध्य में रह के खूब लाभ कमाइए जी। और ये रंगों की बात हो गई, व्यापारी कब पूजन करें ये बात हो गई, लेकिन पूजन तो हमें मुहूर्त आपने बता दिया, बिल्कुल पूजन की सामग्री क्या होनी चाहिए ये जानना चाहेंगे दर्शकों। हर व्यक्ति विशेष बाजार में जाता है, जो मिल गया उसे खरीद लाए और पूजा अर्चना कर ली, लेकिन माँ लक्ष्मी जो धन की वर्षा की प्रतीक मानी जाती है, उनके भी कुछ विधि विधान होते हैं, उन्हीं के अनुरूप लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। सामग्री की अगर बात करें, माँ लक्ष्मी को जो पीली सरसों रहती है वह अत्यंत प्रिय रहती है, कौड़ी जो होती है बाजार में मिल जाएगी वह अत्यंत प्रिय रहती है, लाल कुमकुम का तिलक करना, चावल से तिलक करना और सफ़ेद रंग की प्रसाद का मिठाई का भोग लगाना, यह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और माँ को इत्र बहुत पसंद रहता है, आप जब भी लक्ष्मी पूजन करें इत्र का श्रृंगार जरूर कीजिएगा। रही बात
कुछ ऐसी चीजें रहती है जिनका पूजा की सामग्री में होना बहुत जरूरी है। वह रहता है गणेश पूजन। माँ लक्ष्मी के पूजन से पहले गणेश पूजन किया जाता है, तो जो सुपारी रहती है उसके ऊपर मोली रख के वो स्वास्तिक बना के गणेश जी का पूजन। और यह सभी सामग्री कांसी का जो बर्तन रहता है, कांसी की जो थाल रहता है उसमें रख के कीजिएगा, तो इस विधि विधान से किया हुआ पूजन माँ लक्ष्मी को और प्रसन्न करता है। जी, विधि विधान आपने कैलाश जी हमें बताया कि क्या कुछ खास हमें ध्यान रखना है, लेकिन पुष्प माला भी इस दिन हम चढ़ाते हैं माँ की। जब पूजा करेंगे तो उन्हें माला तो चढ़ाएंगे, तो उसमें क्या कुछ ध्यान रखना है और कौन सी माला हमें उनको चढ़ानी है? दर्शकों, लक्ष्मी पूजन में माँ सरस्वती की भी पूजा की जाती है, भगवान श्री गणेश की भी पूजा की जाती है, तो तीनों को ध्यान में रखते हुए अगर पुष्प माला की बात की जाए तो गुलाब के जो पुष्प रहते हैं वह सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। गुलाब के पुष्पों की साबत जो पुष्प रहते हैं उनकी माला चढ़ाइएगा। टुकड़ों में चढ़ाई हुई माला इतनी प्रिय नहीं रहती माँ को, तो गुलाब के पुष्पों की माला माँ को अर्पण कीजिए। माँ सरस्वती को पीले रंग की माला और भगवान श्री गणेश को पीले रंग की माला अर्पण कीजिए, तो यह पुष्पों का जो श्रृंगार रहता है इससे माँ अत्यंत प्रसन्न रहती है। आपके ऊपर कोई कर्ज है वो पुष्प वर्षा से माँ के आशीर्वाद से खत्म हो जाएगा। जी कैलाश जी, ये आज आप पूजन के बारे में हमें बता रहे हैं, क्योंकि आज शाम को हम सभी माँ लक्ष्मी का पूजन करने वाले हैं। जी, लेकिन जब हम पूजन करते हैं, चूंकि हम सभी के घर में मंदिर होता है, तो हम उस मंदिर में माँ लक्ष्मी को भी विराजित करवाते हैं, भगवान शिव भी होते हैं, गणेश भी होते हैं, हनुमान जी भी होते हैं, और जब हम माँ लक्ष्मी का पूजन करें तो क्या सभी को वहाँ पर विराजित करना चाहिए जहाँ हम पूजन कर रहे हैं? दर्शकों, बहुत बार देखा जाता है लक्ष्मी पूजन हम एक अलग स्थान पर करते हैं, घर का मंदिर एक अलग स्थान पर रहता है, बहुत बार देखा जाता है। लेकिन आप लक्ष्मी पूजन कीजिए, गणेश पूजन कीजिए, सरस्वती पूजन कीजिए, जो भी विधि विधान, शुभ मुहूर्त है, आज का दिन है, पावन पर्व है, कीजिए। लेकिन आपका घर का जो मंदिर है, निज स्थान है, वहाँ पे भी जो आप इष्ट देव हैं, जो आपके कुल देवी हैं, उनका भी विधि विधान से पूजा अर्चना कीजिए। वहाँ पे भी पुष्प अर्पित कीजिए, वहाँ पे भी भोग लगाइए, और लड्डू का भोग तो वैसे भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हाँ, भगवान श्री गणेश और लक्ष्मी पूजन के उपरांत मंदिर में भी दीपक ज्योत जलानी चाहिए, छह अगरबत्ती करनी चाहिए, तो उससे विधि विधान से ठाकुर जी भी प्रसन्न रहते हैं और लक्ष्मी पूजन का भी अपना महत्व बना रहता है। बिल्कुल, तो कैलाश जी आज हमें ये तो बता ही रहे हैं कि कैसे आपको ये दिवाली मनानी है, यानी आज का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत खास है, और इस खास दिन पर कैसे आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, पुष्प माला कौन सी चढ़ानी है, ये आपने कैलाश जी हमें बताया। लेकिन साथ ही साथ माँ लक्ष्मी कमल पर विराजित है जी। तस्वीर में जिस तरह से हम देखते हैं, तो आज के दिन कमल के पुष्प का क्या महत्व होता है? दर्शकों, मेघा जी का यह क्वेश्चन अपने आप एक प्रश्न नहीं है, यह जीवन की वो धार है कि जिसको अगर सहेज लिया तो जीवन भर धन की वर्षा होती रहेगी। कमल अपने आप में माँ लक्ष्मी की सवारी है। सवारी से तात्पर्य मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, उसके नज़दीक कौन माना जाता है? उसका ड्राइवर, वह हमेशा उनके साथ रहता है, बाकियों को तो समय लेना पड़ता है। उसी तरह से माँ लक्ष्मी की सवारी कमल का पुष्प माना जाता है। कमल के पुष्प माँ लक्ष्मी सदैव विराजमान रहती है, और वह विराजमान रहने से तात्पर्य है आप लक्ष्मी पूजन में जब कमल का पुष्प चढ़ाते हैं तो माँ को तो आना ही पड़ता है, और आने के बाद वो वहीं विराजती है। और जिस घर में लक्ष्मी विराजमान रहे तो उसका तो फिर क्या कहना, धन की अपार वर्षा रहती है और सुख समृद्धि का वास रहता है। तो आज तमाम लक्ष्मी पूजन के साथ कमल के पुष्प को अपनी पूजा की थाली में रखिए और माँ की सवारी के रूप में उसे स्थापित कीजिए। बिल्कुल, तो कमल का पुष्प कितना महत्वपूर्ण है ये दर्शकों आज आपको पता लग ही गया होगा, और आज जब शाम को आप पूजा करें तो कमल का पुष्प जरूर माँ को अर्पित करें, पूजा की थाली में उसको जरूर रखें। तो आगे ये भी जानेंगे कि हम इत्र लगाते हैं, इत्र चढ़ाते हैं, उसका क्या महत्व है, उसको कैसे चढ़ाना चाहिए, प्रसाद क्या होना चाहिए, किस तरह से आपको पूजा करनी है। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं और मूलांक 4, 5, 6 आपके लिए जान लेते हैं आज का भविष्यफल। जी मेघा जी, मूलांक 4 राहु का पितृकांक है। सकारात्मक सोचें और काम करने का तरीका बदलें, फिर देखिए सब ठीक ठाक ही होगा।
नौकरी में पदोन्नति तो नहीं लेकिन ट्रांसफर के स्थान परिवर्तन के योग बन रहे। मूलांक चार के लिए शुभ रंग की अगर हम बात करें, ब्राउन जो कलर रहता है बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके लिए। मूलांक पांच बुध का भगवान श्री गणेश का अंक है, इस अंक वालों के लिए आज का दिन शुभ फल देने वाला रहेगा। दिवाली के अनंत लाभ मिलेंगे, आपके सितारों की स्थिति लाभ दिलवाने वाली रहेगी। सामान्य से अच्छा दिन रहेगा, पूरे दिन सुखद घटनाएं होती रहेंगी। मूलांक पांच के लिए शुभ रंग की अगर हम बात करें, हरा जो रंग है ग्रीन कलर बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके लिए। मूलांक छह शुक्र का देवी कृपा का अंक है, माँ लक्ष्मी का दिन है आज, इस अंक वालों को अचानक होने वाले फायदे से खुशी मिल सकती है। आज आपको किसी न किसी बात की चिंता सताएगी लेकिन आपके पास इंतजार करने के लिए समय है, लिहाजा हड़बड़ी या जल्दबाजी मत कीजिए, माँ की पूर्ण कृपा आपके ऊपर रहेगी, लाभ ही लाभ रहेगा। मूलांक छह के लिए शुभ रंग की अगर बात करें, नीला जो रंग रहता है दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके लिए। तो ये तो मूलांक की बात हो गई, आगे भी मूलांक जानेंगे और साथ ही माँ लक्ष्मी का पूजन आपको कैसे करना है ये बताएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। और दर्शकों आज दीपावली है, दीपावली पर हम खास तौर पर बात कर रहे हैं कि माँ लक्ष्मी की पूजा आपको कैसे करनी है, साथ ही साथ भगवान गणेश की पूजा कैसे करनी है, प्रसाद क्या कुछ चढ़ाना है। लेकिन उससे पहले मूलांक की बात कर लेते हैं, मूलांक सात आठ नौ आपके लिए जान लेते हैं। जी दर्शकों, मूलांक सात केतु का जल देवता का अंक है, आज के दिन मन बहुत प्रसन्न रहेगा क्योंकि माँ लक्ष्मी का दिन है, आर्थिक परेशानियां हल होंगी, नई जिम्मेदारी भी प्राप्त होगी, आपके पार्टनर को आपसे भरपूर लाभ मिलेगा, लव लाइफ प्यार दाम्पत्य जीवन तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। मूलांक सात के लिए शुभ रंग की अगर हम बात करें, काला जो रंग रहता है बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक आठ शनि का अंक है, आज आप अपनी योजना पार्टनर से शेयर न करें, थोड़ा सा गुप्त रखिएगा, जो भी करें अकेले करें, कोई काम या उसकी योजना अब आपकी थोड़ी मजबूरी जैसे भी बन सकती है। शुभ रंग की अगर हम बात करें, मूलांक आठ के लिए गुलाबी जो रंग रहता है बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके। मूलांक नौ मंगल का अंक है, मंगलमुखी सदा सुखी, आपको यह भी लग सकता है कि काम हो ही नहीं सकते लेकिन एक बार जब आप काम शुरू करेंगे तो सारे काम पूरे हो जाएंगे, सारे संकोच दूर हो जाएंगे, माँ लक्ष्मी की पूर्ण कृपा रहेगी। शुभ रंग की अगर हम बात करें, मूलांक नौ के लिए केसरिया जो रंग रहता है बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके लिए। जी कैलाश जी, ये तो आपने बता दिया, मूलांक की चर्चा हो गई, लेकिन आज माँ लक्ष्मी के लिए हम पूछ रहे हैं कि माँ लक्ष्मी को कैसे हमें अपने घर में बुलाना है। तो आपने ये तो बता दिया कि क्या शुभ मुहूर्त है व्यापारियों के लिए हो या घर में हम पूजन कर रहे हो, लेकिन इत्र की बात करें तो हम जब माता को इत्र चढ़ाते हैं तो वो प्रसन्न होती है, हम नॉर्मली पूजा में लगाते हैं, तो कौन सा इत्र चढ़ाना है हमें? दर्शकों, इत्र अपने आप में वर्षा का प्रतीक माना जाता है, इत्र स्नान का प्रतीक माना जाता है, और माँ लक्ष्मी जहाँ पे साफ सफाई आप देखते होंगे दीपावली से पहले घरों में ऑफिसों में साफ सफाई की जाती है, माँ लक्ष्मी स्वच्छता की प्रतीक मानी जाती है, और जहाँ स्वच्छता रहती है वहाँ सुगंध जरूर रहती है, तो इत्र चढ़ाना माँ लक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भगवान श्री गणेश व्यापार में सफलता के प्रतीक माने जाते हैं, तो भगवान श्री गणेश को मोगरे का इत्र, माँ लक्ष्मी को गुलाब का इत्र जो रहता है वह बहुत प्रिय रहता है, माँ सरस्वती को खस का जो इत्र रहता है, तीनों ही भगवान को, ये तीनों ही इत्र खस का माँ सरस्वती को, गुलाब का माँ लक्ष्मी को,
और मोगरे का इत्र भगवान श्री गणेश को चढ़ाने से विद्या में उन्नति प्राप्त होती है, धन का संचय रहता है और व्यापार में बड़ी सफलता मिलती है। और मुहूर्त भी आज का दिन बहुत पुण्यकारक है, इसलिए इत्र का स्नान विशेष रूप से करवाइएगा। जी, और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रसाद की, क्योंकि प्रसाद तो माता को चढ़ाना ही है जब हम पूजा करेंगे, तो क्या प्रसाद हमें माता को चढ़ाना है? दर्शकों, जब बात प्रसाद की जाती है तो आज के दिन पंच मेवे का जो भोग रहता है, काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट, उसका भोग लगाना चाहिए। और मावे की जो मिठाइयाँ रहती है उसमें भी अलग अलग प्रकार की जो मिठाई रहती है, चाहे 11 मिठाई हो, चाहे 15 है, चाहे 21, अपनी समर्थता के अनुसार मावे की, जिसमें प्रथम पूज्य जो रहता है, जो पेड़ा रहता है सफ़ेद रंग का, वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लड्डू का भोग भगवान श्री गणेश को चढ़ाइए और चॉकलेट कलर की जो बर्फी रहती है वो माँ सरस्वती को चढ़ाइए, तो यह भोग माँ लक्ष्मी का अत्यंत प्रिय रहता है। एक चीज़ विशेष रूप से, जब भी आप लक्ष्मी पूजन करें तो भगवान श्री गणेश का जो चूहा रहता है, उनकी जो सवारी रहती है, उसे भी लड्डू का भोग जरूर लगाएं। बिल्कुल। और कैलाश जल्दी से जानना चाहेंगे कि हमें आरती कैसे करनी है और कौन से रंग की धोती पहने। दर्शकों, आरती, जब तक माँ लक्ष्मी पूजन की पूजा के बाद आरती न की जाए तो उस पूजा का महत्व नहीं रहता। आरती जो रहती है कपूर की टिक्की से की जाती है। मिट्टी के दीपक में आप एक या दो कपूर की टिक्की रखिए और कांसी के बर्तन में उस दीपक को रखिए, फिर माँ लक्ष्मी की आरती कीजिए। एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, जब भी लक्ष्मी पूजन करें, आरती करें, घंटी नहीं बजाई जाती, शांतिपूर्वक करना है। जी बिल्कुल, तो शांतिपूर्वक ये पूजा आप कीजिए। और उम्मीद यही करते हैं कि आज हमने जो माँ लक्ष्मी के पूजन विधि आपको बताई है, किस तरह पूजा करनी है वो बताई है, आपके काम आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश जी स्टूडियो में आने के। पुनः दीपावली का पावन पर्व आपके लिए बहुत मंगलमय हो, यही शुभकामनाएं। तो हम उम्मीद करते हैं माँ लक्ष्मी का ये पूजन आपको यश, वैभव, सुख समृद्धि दिलाएगा। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली, नमस्कार।